अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई एम टीचर आमना। ओपन योर मैथ बुक। टुडे वी विल लर्न अबाउट पेज नंबर 60। एड कॉइन्स इनफॉर्मली। टेक हाउ मैनी कॉइन्स डू यू नीड टू बाय द गिवन थिंग्स? कॉइन्स पे हम टिक करेंगे जितने कॉइन्स की हमें किसी चीज़ के ख़रीदने के लिए ज़रूरत होगी। फर्स्ट देखें पेंसिल। पेंसिल के लिए हमें 5 रुपीज़ की ज़रूरत है। हम 5 रुपीज़ के कॉइन्स पे टिक कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखें स्केल। स्केल के लिए हमें 6 रुपीज़ की ज़रूरत है। 6 पे टिक करेंगे हम। 6 रुपीज़ पे फर्स्ट देखें 5। ये 5 रुपीज़ का कॉइन है और ये 1। 5 और 1 6। ठीक है, नेक्स्ट देखें रेजर। रेजर के लिए हमें 2 रुपीज़ की ज़रूरत होगी। 1 और 1 2। ठीक है, नेक्स्ट देखें एप्पल। एप्पल के लिए हमें कितने रुपीज़ की ज़रूरत होगी? 10 10 रुपीज़ की ज़रूरत है हमें। हम टिक करेंगे। 5 का कॉइन है ये, इस पर टिक करेंगे। और ये 5 का कॉइन है, इसी पे भी टिक करेंगे। 5 और 5 10। ठीक है, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट पेज नंबर 61। रिकॉग्नाइज रिपीटिंग पैटर्न्स, कलर एंड कंप्लीट द पैटर्न्स। हमने कलर करना है। फर्स्ट देखिए कैरेट ब्राउन कलर की है, फिर रेड कलर की है, फिर ब्राउन है, फिर रेड है। अब इसके बाद हम इस कैरेट में ब्राउन कलर करेंगे। ठीक है, इसमें हम ब्राउन कलर करेंगे पैटर्न के हिसाब से। नेक्स्ट देखें एप्पल। ये रेड एप्पल है, इसके बाद ग्रीन है, फिर रेड है, ग्रीन है। नेक्स्ट हम एप्पल में रेड कलर करेंगे पैटर्न के मुताबिक। ठीक है, इसमें हम रेड कलर करेंगे। नेक्स्ट देखें पैरट, डक, फिर पैरट, डक और पैरट है। इस पैरट में हम ग्रीन कलर करेंगे। ठीक है, इस पैरट में हम ग्रीन कलर करेंगे पैटर्न के मुताबिक। नेक्स्ट देखिए लास्ट में आइसक्रीम, केक, फिर आइसक्रीम है, केक है और फिर आइसक्रीम लास्ट में। इसमें हम जैसे इस आइसक्रीम में ब्लैक कलर है, इसी तरह हम सेम यही कलर आइसक्रीम में करेंगे पैटर्न के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पेज नंबर 62। आइडेंटिफाई द रिपीटिंग पैटर्न ऑफ ऑब्जेक्ट्स। लेट्स डू इट। टेक द ऑब्जेक्ट एंड कम नेक्स्ट। फर्स्ट में रेक्टेंगल शेप है, फिर ट्राइंगल है, रेक्टेंगल, ट्राइंगल। नेक्स्ट आप देखें रेक्टेंगल शेप आएगी ट्राइंगल के बाद, आप इस पे टिक कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखें बनाना फुटबॉल, बनाना फुटबॉल और फिर लास्ट में बनाना पे आप टिक करेंगे अकॉर्डिंग टू पैटर्न। नेक्स्ट देखें ग्लास कप, ग्लास कप और कप आफ्टर गिलास पे आप टिक करोगे अकॉर्डिंग टू पैटर्न। ठीक है, नेक्स्ट देखें पेंसिल बुक बुक आफ्टर पेंसिल, पेंसिल पे आप टिक करेंगे अकॉर्डिंग टू पैटर्न। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देखें पेज नंबर 63। एड टू ग्रुप्स ऑफ कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स, काउंट एंड एड
एट द ऑब्जेक्ट्स। इस ग्रुप में टू पेंसिल्स हैं, वन टू, ठीक है। नेक्स्ट वाले ग्रुप में वन टू थ्री, थ्री पेंसिल्स हैं। अब हम आल पेंसिल्स को काउंट करेंगे, कितनी पेंसिल्स बनेगी, वन टू थ्री फोर फाइव, हमारे पास कितनी पेंसिल्स हैं, फाइव। थ्री पेंसिल्स में टू पेंसिल और ऐड की, हमारे पास फाइव पेंसिल हो गई। नेक्स्ट देखें, फर्स्ट ग्रुप में कितने वेज हैं, काउंट इट, वन टू थ्री, थ्री वेज हैं। सेकंड ग्रुप में वन टू थ्री, सेकंड ग्रुप में भी थ्री वेज हैं। अब दोनों ग्रुप्स के वेज काउंट करें, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, दोनों ग्रुप्स के वेज ऐड किए तो हमारे पास सिक्स वेज हो गए, ठीक है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इनको ऐड करके एक बॉक्स में राइट बना दिया। नेक्स्ट देखिए मैंगोज, फर्स्ट ग्रुप में कितने मैंगोज हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स मैंगो हैं। एंड सेकंड ग्रुप में टू मैंगोज हैं, वन एंड टू, दोनों ग्रुप्स के मैंगोज ऐड किए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, दोनों के काउंट किए तो हमारे पास एट मैंगोज हो गए, ठीक है। नेक्स्ट देखें कप्स, फर्स्ट ग्रुप में फाइव फाइव कप्स हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, और सेकंड ग्रुप में फोर कप्स हैं, दोनों ग्रुप्स के कप काउंट करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, हमारे पास कितने कप्स हो गए, नाइन।